अब देखो मेन चीज है फॉर्मेट। फॉर्मेट के ऊपर काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन है इस टॉपिक को लेकर के। तो लेटर में कैसा फॉर्मेट रहेगा, किस तरह से आपको लिखना है, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लेटर्स से। टाइप्स ऑफ लेटर में जैसा कि आप सभी को पता है, दो तरह के लेटर होते हैं, एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, एक औपचारिक पत्र होता है, एक अनौपचारिक पत्र होता है। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर कैसे लिखना होता है और किस लिए लिखना होता है। तो देखो सबसे पहले फॉर्मल लेटर्स की बात कर लेते हैं। जो फॉर्मल लेटर है वो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए लिखा जाता है। ठीक है, यानी सरकारी कामकाज के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उसको फॉर्मल लेटर या औपचारिक पत्र बोला जाता है। अब ये पत्र हो सकता है लेटर टू एडिटर, यानी किसी संपादक को लेटर लिखा जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है, तो वो फॉर्मल लेटर कहलाएगा। इसी तरह लेटर टू कलेक्टर, लेटर टू मैनेजर या फिर लेटर टू डायरेक्टर। तो जितने भी ऑफिशियल पर्सन्स को हम लेटर लिखते हैं वो सारे के सारे लेटर्स कहलाएंगे फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, औपचारिक पत्र कहलाएंगे, राइट। तो ये चीज बेसिकली आपके माइंड में होनी चाहिए कि औपचारिक पत्र या फिर अनौपचारिक पत्र किसको बोलते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में डिफरेंस क्या होता है। फॉर्मल लेटर आप समझ गए होंगे, ये ऑफिशियल पर्पजेस के लिए लिखे जाएंगे। इसका फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मेट की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो आप, सबसे पहले आपको लिखना होता है एड्रेस। ठीक है, आप यहाँ पर एड्रेस लिखोगे, उसके बाद आपको डेट लिखनी होगी, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहले आप सेंडर्स एड्रेस लिखोगे, फिर डेट लिखोगे, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखोगे। उसके बाद आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप लिखते हो रिस्पेक्टेड सर या मैडम, फिर कॉमा लगाओगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कॉमा आपको यहाँ पर लगाना होता है। उसके बाद आप बेसिकली अपना कंटेंट प्रोवाइड करोगे, जो भी बेसिकली इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, तीन पार्ट्स में बेसिकली आपको माइंड में ये रखना है कि तीन सेक्शन बेसिकली आपको डिवाइड करने होते हैं लेटर में भी। ठीक है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, तीन पार्ट्स में बेसिकली आप इसको पूरा लेटर लिखोगे। उसके बाद आखिरी में आप संबोधन इसको लिखोगे, योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली करके, और जो भी आपका नाम होगा वो आप यहाँ पर नाम लिख दोगे, राइट। तो इस तरह से बेसिकली आपको ये लिखना होता है, इस तरह से आपको फॉर्मेट आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल, अगर आपको कोई एड्रेस नहीं दिया तो आप एग्जामिनेशन हॉल लिखोगे, न्यू दिल्ली या जो भी प्लेस आपको दिया वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद डेट आप लिखोगे, 8 अप्रैल 2019, 2020, जो भी आपको डेट दी गई है वो डेट आप लिख दो। अगर डेट नहीं दी गई है तो आप करेंट डेट लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आप बेसिकली यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस लिखोगे। ये जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर एडिटर को लिखना है तो द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, कानपुर। ठीक है, आप टू द एडिटर करके भी लिख सकते हो, लेकिन टू द एडिटर वाला फॉर्मेट अब नहीं रहता है, आपको डायरेक्टली लिखना होता है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे लिखोगे द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी आपको न्यूज़पेपर का नाम दिया है, और प्लेस का नाम लिख दोगे अपने अकॉर्डिंगली, जो भी आप लिखना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप लिखोगे जो भी आप जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लिख रहे हो लेटर, वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है पुअर क्वालिटी ऑफ एयर इन आवर लोकेलिटी। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सर या मैडम, और यहाँ पर कॉमा लगेगा। ठीक है, सर या मैडम, उसके बाद कॉमा, और फिर आप यहाँ पर मेन कंटेंट दोगे जो कि बॉडी, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, राइट। उसके बाद फाइनली आपको योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली करके आपको नाम लिख देना है, जो भी नाम दिया होगा, जो भी आपको नाम दिया गया वो आप यहाँ पर नाम लिख दोगे, राइट। तो इस तरह से आपको ये कम्प्लीटली माइंड में रखना है, इस फॉर्मेट को बेसिकली आपको माइंड में रखना है। और जब आप 5-6 लेटर लिखोगे तो आपको खुद ही सारी चीज़ें रट जाएंगी, आप आसानी से याद रख पाओगे। ठीक है, तो ये फॉर्मल लेटर का बेसिकली फॉर्मेट है, आपको याद रखना है, एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे मूव करते हैं इनफॉर्मल लेटर के लिए। इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखना है, इनफॉर्मल लेटर क्यों लिखे जाते हैं, पहले ये समझ लो। इनफॉर्मल लेटर को हम लोग अनौपचारिक पत्र बोलते हैं हिंदी में। अनौपचारिक पत्र ये अनऑफिशियल पर्पजेस के लिए होते हैं। ठीक है, यानी गैर सरकारी जितने भी काम हैं उनके लिए अगर कोई पत्र लिखा जा रहा है तो उसको इनफॉर्मल लेटर बोलेंगे, अनौपचारिक पत्र बोलेंगे, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे लेटर टू फैमिली मेम्बर्स, अपने परिवार के लोगों को, परिवार के सदस्यों को अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो वो फैमिली मेम्बर्स को लिख रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल लेटर कहलाएगा, राइट।
ठीक है। इसी तरह लेटर टू फ्रेंड्स, अगर अपने मित्र को लिख रहे हैं, फ्रेंड को लिख रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल लेटर। इसी तरह लेटर टू रिलेटिव्स, अपने अगर रिलेटिव्स को हम लेटर लिख रहे हैं तो वो इनफॉर्मल लेटर कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में मेन डिफरेंस ये होता है, फॉर्मल लेटर जो है ऑफिशियल पर्पजेस के लिए लिखा जाता है, और इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो अनऑफिशियल पर्पजेस के लिए लिखा जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो इसको आप याद रखोगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके फॉर्मेट की। फॉर्मेट में सबसे पहले आपको लिखना है एड्रेस, एड्रेस के बाद आपको ब्लॉक छोड़ के आपको डेट लिखनी है, डेट लिखने के बाद फिर से ब्लॉक छोड़ोगे, फिर आपको जो भी रिलेटिव जिसको भी आप लिख रहे हो वो लिख उसका नाम लिखोगे, और यहाँ पर कॉमा लगेगा। तो कॉमा जरूर ध्यान रखना है, यहाँ पर सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाना है आपको। उसके बाद बॉडी, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये पूरा आपका बॉडी सेक्शन है, इसमें आप पूरा कंटेंट लिखोगे, ठीक है, तीन सेक्शन में डिवाइड करके। और उसके बाद योर्स लविंगली, और जो भी नेम दिया होगा, जो भी नाम दिया होगा, वो आप नाम लिख दोगे। ठीक है, तो ये इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट है जो आपको ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप याद रख लेना। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे इसी तरह हम लोग मूव करते हैं। आगे जो है बेसिकली आप यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि आपको लिखना है एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली, ये आपका एड्रेस हो गया, सेंडर्स एड्रेस हो गया ये, ठीक है, सेंडर्स एड्रेस आप लिख लोगे। उसके बाद आपको डेट लिखनी होगी, तो डेट जैसे कि आपने यहाँ पर लिखी हुई है 8 अप्रैल 2019, यहाँ पर जो भी डेट आप लिखना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर प्रीवियस डेट डाली हुई है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी डेट लिखनी है वो आप लिख सकते हो, करेंट डेट लिख दोगे तो वही बेटर रहेगा। राइट, उसके बाद डियर फादर, फॉर एग्जाम्पल आप फादर को लिख रहे हो तो डियर फादर, या अदर कोई रिलेटिव को लिख रहे हो तो वो लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद फिर से यहाँ पर पूरा बॉडी सेक्शन रहेगा, यहाँ पर इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन ये आप लिखोगे। उसके बाद योर्स लविंगली, जो नाम है रंजीत सिंह, आपने यहाँ पर नाम लिख दिया। ठीक है, तो इस ये पूरा एग्जाम्पल है, इसके थ्रू आप बेसिकली ऐसे ही ये पूरा फॉर्मेट रहेगा, इसी तरह से आप लेटर को लिखोगे अच्छी तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में डिफरेंस क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। न्यू फॉर्मेट क्या है, कैसे आपको लेटर्स लिखना है, ये भी आपको समझ। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं, इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशियंट कंटेंट होगा, और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे। राइट, और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे, और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से दो बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी। राइट, एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपने एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो, SSC CGL CHSL SSC GST या फिर IBPS PO के लिए या बैंक एग्जाम्स के लिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करेगा इस वीडियो को, शेयर करेगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो, इसमें आपको वहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाएंगे और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। और इसका लिंक मैं आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।